हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः एग्जाम पॉइंट्स को लेकर के आया हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है, चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट्स। तो जो छूट गए थे हमारा तीसरा वीडियो है, इसका जो पहला है वह चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी ऐसा एक त्रिभुज चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु इस किसी वृत्त की परिधि पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, अगला पॉइंट है उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वहां पर उसकी जरूरत पड़ती है जब ये कोण निकालने होते हैं। अगर यहाँ ए बी सी अगर ये आपको 40 दिया है तुरंत याद रखना है ये आपका 140 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, बहुत प्रयोग आता है। किसी भी वृत्त में अगर ये जीवा हो, जीवा वही है जो केंद्र से होके नहीं जा रही है, वैसे वो व्यास बन जाता है। हालांकि वही उसकी उस समय जो सब जो केंद्र से होके जाती है वो व्यास होता है और वही किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इस केंद्र से जब इस पर लंब डाला जाता है तो ये ए बी अगर कोई जीवा हो ये इसको सदैव अर्धित करता है। यानी ये दूरी निकलेगी सदैव ये त्रिज्या होगी और ये 90 डिग्री होगा, तो जो भी निकलता है उसका दूना कर लिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगले जो हमने चार पॉइंट्स लिखे, चार से पांच पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। क्या है हमारा, दो वृत्त स्पर्श नहीं करते तो उनकी उभयनिष्ठ रेखाएं चार खींच सकते हैं। मतलब आपके पास ये दो वृत्त हैं जो आपस में टच नहीं करते, उस केस में आप कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए चार, एक ठीक है, दो और एक तीन और एक चार। तो याद रखना है अगर दोनों कोई भी वृत्त आपस में टच नहीं करते उस केस में इसकी चार उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं, ये देखिए अब क्या कंडीशन होगी, जब बाह्यतम होगा तो ये एक ही रह जाएगी, एक दो और ये तीन। इसका मतलब यहां पर तीन खींच सकते हो, यहां पर चार, तब जब आपस में वो मिलते नहीं है, दूर दूर है, और जब दोनों आपस में स्पर्श करते हैं उस केस में तीन खींच सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की कंडीशन क्या कहती है। अगली कंडीशन हमारी है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें लेकिन कैसे अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक होती है। वो कैसे, एक वृत्त आपका ये है और इसी के अंदर एक दूसरा वृत्त ये है, इस केस में केवल और केवल आप यही एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए यहां पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं केवल दो खींच सकते हैं, कैसे, ये और ये, तो आप एक और एक दो। तो कुल मिला के ये की पॉइंट्स आपको बहुत ढंग से याद रखना है जिससे आप इनको सही ढंग से याद कर सकें। अगला, दो संकेंद्रीय वृत्त, पहली बात संकेंद्रीय का मतलब होता है कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, एक ही उसका सेंटर हो, कैसे, मान लो एक ये आपने लिया और ये खींच लिया, बच्चे खूब खेलते हैं, एक दूसरा ये त्रिज्या लेकर के खींच लिया, इस केस में संकेंद्रीय वृत्त कोई स्पष्ट नहीं, कोई स्पर्श रेखा, आप अगर इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका छेदक रेखा बन जाएगी। तो अगर दो संकेंद्रीय वृत्त हैं उनकी कभी भी स्पर्श, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती उभयनिष्ठ। तो इसलिए यह भी प्रश्न आता है कभी कभी, दो संकेंद्रीय वृत्तों से होकर इतनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, चार तीन दो एक और एक भी नहीं, ये यहां तक आपने देखा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, अगर कोई तीन बिंदु हो एक रेखा में ना उनको मिलाया जाए तो इससे केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है,
फिगर नहीं सही बना है, तो तीन बिंदुओं से होकर अगर वो असल रेख है, एक रेखा में नहीं है, तो उनसे होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगला है, एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक आपके पास वृत्त हो, इसका एक ये एक ही वृत्त खंड, ये वृत्त खंड इस पर जितने भी आप कोण, ये सभी समान होंगे। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10। इसका मतलब एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। बिल्कुल सही, इसको आपको याद रखना, कई जगह काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये सब न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये चाप है, ये केंद्र, इस पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित कोण किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। इस पर करा कितने भी कोण बना लीजिए, ए और ये ओ है, बी और ये सी है, मान लो तो करा जितना ये बनेगा उसका ये जस्ट डबल होगा, यानी एंगल ओ इक्वल एंगल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर बने कोण का ये आधा होता है, या शेष परिधि पर बने बना कोण केंद्र का आधा होता है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, आप इसको याद रखें, यानी ए जो है, अगर ये यहाँ पे 20 है तो ये 10 होगा, अगर यहाँ 100 है तो ये 200 होगा। कहने का मतलब ये है। चलिए, ये 10 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स और। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम पॉइंट, जब जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हूं, दो जीवा ए बी और सी डी आपस में पी बिंदु पर काट रही हो, उस केस में एपी इंटू बीपी या पीबी जो भी देखना चाहे, मतलब इनके खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको भुजा दे दिया जाता है इसमें से तीन और दूसरी पूछी जाती, जब तक ये कंडीशन नहीं मालूम हम इसे नहीं निकाल सकते। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जब जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटती हूँ, मान लीजिए ए बी सी डी को आगे बढ़ा दिया, पी पर काटा है, तो उस केस में पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी, मतलब पहले पूरी लेंगे फिर बाहरी वाली को उसी के साथ गुणा कर देंगे। और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, किसी वृत्त की जीवा को बढ़ाकर प्राप्त बिंदु से एक स्पर्श रेखा, ए बी को हमने बढ़ा लिया पी पर, इससे अगर ये स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है पी टी स्क्वायर इक्वल टू वो सदैव पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। किसी भी वृत्त पर कोई बाहर बिंदु ले लीजिए, इस पर जितनी भी स्पर्श रेखाएं जितनी मतलब वही खींच पाओगे, मान लो ये पी ए और ये बी, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। इसका मतलब किसी भी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो सदैव समान होती है। तो वृत्त से संबंधित आज जो हमने लगभग आपको 15 से 16 फैक्ट्स बताए, इन्हें अगर आप याद रखते हैं तो वृत्त से संबंधित आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और अब एक वीडियो और बनेगी छोटी सी, जिसमें अन्य बीजगणित के हैं, कुछ हमारे स्टैटिक्स के हैं, उस सारी फैक्ट्स को मैं मिला के एक वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।